अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उरूज और आप देख रहे हैं एन उरूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मज़ीद एक फार्म हाउस का व्लॉग लेके आई हूँ। मेरा गड़ाप आना हुआ तो यहाँ मैंने देखा एक बहुत अच्छा फार्म हाउस था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का व्लॉग शूट किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत अच्छा फार्म हाउस है, यहाँ का विज़िट करेंगे, यहाँ के ओनर से मुलाकात करेंगे, इस फार्म हाउस की पूरी डिटेल्स लेंगे। फार्म का ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा, ये फार्म का आपको पूरा ओवरव्यू दिख रहा होगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ओवरव्यू है फार्म का। अब हम पूरा यहाँ का विज़िट करेंगे और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे और फार्म की डिटेल्स लेंगे कि फार्म की जो प्राइस रेंज है क्या है, किस हिसाब से जो है बुकिंग की जा रही है, कि 12 आवर्स के क्या चार्जेस हैं, 24 आवर्स के क्या चार्जेस हैं। तो व्यूअर्स, आइए फार्म हाउस के जो है ओनर की जानिब चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। एंड व्यूअर्स, वीडियो के आगाज़ में रिक्वेस्ट कर दूँ, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो व्यूअर, इस वक्त मैं फार्म के ओनर के पास मौजूद हूं, तो आइए अब उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा अपना। फैज़ान शेख। अच्छा फैज़ान साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फार्म हाउस है आपका, तो सबसे पहले इसका यूनिट नंबर बता दें, ये कहाँ वाक़िया है, इसका यूनिट नंबर बता दीजिएगा और इसकी बुकिंग डिटेल्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें। ये देखें, ये वाक़ है गडाब में, बकाई यूनिवर्सिटी से 6 किलोमीटर अंदर आते हैं जी। तो गौहर नया फार्म हाउस, ये एक पूरा रिजॉर्ट है, इसके अंदर है यूनिट नंबर 114। ठीक है, ठीक है। बाकी जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं, इसमें 3 बेडरूम है, एक में एसी लगा हुआ है, एक लाउंज है, गार्डन एरिया है, बारबेक्यू एरिया है, किचन है, फ्रिज है, गैस सिलेंडर है और स्विमिंग पूल है, कवर्ड एरिया है, बाकी नाइट की प्रॉपर लाइटिंग है और ईच एंड एवरीथिंग मतलब परफेक्ट कंडीशन में। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है? नहीं, नहीं, क्योंकि लोग सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसर्न होते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो इसका थोड़ा सा बताइएगा। नहीं देखें, अब वो हालात नहीं रहे, अब तो यहाँ पे रेंजर्स हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर दोनों ही बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले आज से कोई 8-10 साल पहले होता था स्नैचिंग वगैरह का मामला, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फैमिलीज आती हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस पट्टी में। अच्छा मुझे ये बताइएगा फैज़ान साहब के यहाँ पे अगर कोई इवेंट वगैरह करवाना चाहे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो शादी हॉल्स की जगह फार्म हाउसेस पे हर किस्म की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट इवेंट्स, हर तरह का इवेंट फार्म हाउस पे करना पसंद करते हैं, तो क्या आपके फार्म पे भी ये फैसिलिटी मौजूद है? तो उस हवाले से हमें डिटेल में बताइएगा कि अगर है तो उसका डेकोरेशन वगैरह आप खुद करवा के देते हैं या कोई चाहे तो अपनी मर्ज़ी से करवा सकता है? देखिए, हमारे पास जो टोटल कवर्ड एरिया है ना वो है 2700 गज। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम जितना भी एरिया देख रहे हैं ये टोटल 2700 गज है कवर्ड एरिया जो है जी। बाकी इसमें जो है ये 800 की कैपेसिटी है, लेकिन हम 800 अलाउ इसलिए नहीं करते कि वो फिर कंजस्टेड में आ जाता है। 500 बहुत ही इजीली और मतलब खुला डुल्ला सेटअप होगा। बाकी डेकोरेशन के हवाले से ये कि हमारा अपना ज़ाती डेकोरेशन है, कैटरिंग भी हमारा अपना है, तो अगर किसी को पूरा पैकेज चाहिए हो तो वो जो है हम पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा बुकिंग का बताइएगा कि 12 आवर जो हैं उनके वीकडे के क्या चार्जेस हैं, वीकेंड डेज के क्या चार्जेस हैं, 24 आवर के, और इवेंट के हवाले से थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि अगर इवेंट कोई करवाना चाहे तो उसका क्या? देखिए, इवेंट का जो मामला होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है बनिस्बत नॉर्मल पिकनिक के, क्योंकि एक मिसाल है अगर कोई 400 या 300 का इवेंट करवाना चाहता है तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक डेकोरेशन लगता है। ठीक है, तो सुबह हम किसी पार्टी को दे नहीं सकते, फिर शाम से लेके सुबह तक जो है वो आप अपना इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका डेकोरेशन किस तरह का है, आपने करवाना क्या है। ठीक है, देखें डेकोरेशन जो है वो तो 20 लाख का भी है, 10 लाख का भी है और लाख रुपए का भी है, तो वो डिपेंड करता है कि पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बजट क्या है, तो उस लिहाज से जो है वो डेकोरेशन हो सकती है। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम आप हर तरह का इवेंट जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम जितना अप वो जा सकते हैं और जितना डाउन वो आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। ठीक है। अच्छा बाकी अब मुझे बताइएगा वीकडे की जो ये बुकिंग है 12 आवर्स की और वीकेंड डेज की और 24 आवर्स की, ये भी बता दीजिए। देखें, हम जो अलाउ करते हैं ना वो इंक्लूडिंग चिल्ड्रन 35% हम अलाउड करते हैं, 35% में बच्चे भी इंक्लूड हों वो चीज़ अलाउ है। दूसरा ये कि ये जो सीज़न वाइज चलता है, अभी जो करंट रेट चल रहे हैं वो 17,000 रुपये हैं नॉर्मल डे के, 12 घंटे के, और अगर वीकेंड पे जाते हैं वीकेंड पे 12 घंटे 23,000 रुपये, उसमें एक रूम में एसी है जो हम 5 घंटे देते हैं, और अगर यही चीज़ 24 घंटे में जाते हैं वीकेंड पे तो वीकेंड पे जो है वो 35,000 रुपये रेट है।
24 घंटे में। अभी अगस्त के चार्जेस बता रहे हैं, मे भी अगर कोई थोड़े टाइम बाद कॉन्टेक्ट करता है तो टाइम बाद अगर करते हैं तो वो डाउन पे आ जाएगा, क्योंकि आगे जैसे बढ़ता जाएगा सीजन वो डाउन पे आता रहेगा, क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे करीब आती हैं तो उसमें जो है वो स्लो हो जाता है। पीक जो सीज़न है हमारा वो आता है जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने पीक होते हैं। ठीक है। अच्छा फैजान साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी कि अगर कोई, अभी तो सीज़न है, बेटर मौसम है, बट अगर कोई सर्दियों में इवेंट वगैरह करवाना चाहे, सर्दियों में ज़्यादातर फार्म हाउस बंद हो जाते हैं, क्लोज कर लेते हैं मेजोरिटी लोग, तो आपका फार्म हाउस जो है सर्दियों में ओपन रहेगा अगर कोई सर्दियों में यहाँ कोई इवेंट वगैरह करवाना चाहे? हाँ बिल्कुल, हमारा फार्म हाउस ओपन है और मतलब कि 12 महीने ओपन ही रहता है। और सर्दियों में ये होता है कि शादियों का सीज़न जो है वो पीक पे होता है। जी। ठीक है, तो अगर किसी ने करवाना हो मतलब डेकोरेशन के हवाले से या वेन्यू के हवाले से, वो हमसे ज़रूर रब्ता कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए फैजान साहब के फार्म हाउस को विज़िट कर लेते हैं और देखें। चलिए, सो व्यूअर्स, इस वक्त आप फार्म का जो है वो गार्डन एरिया देख रहे हैं। यहाँ आपको देख रहे होंगे कि बच्चों के झूले वगैरह हैं, स्लाइड है, बाकी चीज़ें हैं, पिंगे वगैरह भी लगी हुई हैं। ये यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया है। अब आगे चलते हैं और मज़ीद देख लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये जो है ये फाउंटेन है, यहाँ पर जो है फवारे वगैरह होते हैं। ठीक है, अब ये सामने देख लेते हैं हम, क्रिकेट पिच है। सो व्यूअर्स, अक्सर व्यूअर्स की जो है वो डिमांड होती है कि क्रिकेट पिच हो, ऐसा फार्म हाउस हो कि जहाँ पे क्रिकेट पिच हो। तो ये आप देख सकते होंगे काफ़ी अच्छी क्रिकेट पिच भी यहाँ पे बनी हुई है। वैसे भी फार्म काफ़ी साफ़ सुथरा है, अच्छा बना हुआ है, और ये गोरे नायाब का यूनिट नंबर 114 है। ठीक है, आइए अब मस्जिद देख लेते हैं। सो आप इसका गार्डन एरिया देखिए, काफ़ी प्यारा गार्डन एरिया है। ये देखें, आगे इंडोर भी चल के मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ का स्विमिंग पूल भी दिखाऊँगी। और जो है ये देखिए आप, ये सामने आपको फार्म का एंट्रेंस दिख रहा होगा, वो देखिए सामने एंट्रेंस है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इन्होंने, बाकी आप देखिए एंट्रेंस है, ये भी काफ़ी प्यारा और ख़ूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। अब मज़ीद देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। सो व्यूअर्स, ये यहाँ पे डब्बू भी रखा हुआ है, ये देख रहे होंगे, लेकिन डब्बू के बराबर में जो है इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि ये देखिए, ये इन्होंने जो है वो गांव देहात वाला कल्चर यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी इस तरह का सेटअप होता है। ये देखिए आप, ये देखें, ठीक। सो व्यूअर्स, ये फार्म का जो है वो बारबेक्यू एरिया है, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे, ये बारबेक्यू एरिया है, और बारबेक्यू एरिया के बराबर में ही जो है वो स्विमिंग पूल है। तो ये देखिए आप, ये स्विमिंग पूल है यहाँ का, अच्छा बड़ा स्विमिंग पूल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और पानी आप देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। और स्विमिंग पूल एरिया भी इन्होंने बहुत प्यारा जो है वो कवर्ड किया हुआ है, ये देखिए, ये आपको पूरा ये देखें, यहाँ पे बहुत कम फार्म हाउसेस पे ऐसा होता है। सो ये यहाँ से अब मैं आपको स्विमिंग पूल का लुक दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, और वो सामने आपको बारबेक्यू एरिया दिख रहा होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल के आइकन को जो है वो ऑल पे प्रेस कर लिया करें, ताकि जो है हमारी नई हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आइए, अब चलते हैं और इनका इंडोर देख लेते हैं। ये पूरा फार्म का ओवरव्यू है, ये देख लीजिए आप, ये पूरा फार्म का ओवरव्यू, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। अब इनका इंडोर देख लेते हैं कि इनका इंडोर जो है वो कैसा बना हुआ है। इंडोर का मैं आपको यहाँ से लुक दिखा देती हूँ कि ये आप इंडोर का लुक देख लें, ठीक है, कि ये इंडोर का लुक है। सो व्यूअर्स, अब फार्म का जो है इंडोर एरिया स्टार्ट हो गया, और ये सामने आपको पट्टी गेम दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये पट्टी गेम है। इसके अलावा ये यहाँ पे पर्दे वर्दे भी सही लगे हुए हैं, और यहाँ से ये आपको गार्डन एरिया दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। अब मज़ीद देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। सो ये यहाँ का जो है फर्स्ट बेडरूम है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं,
ठीक है, बाकी आप पैंट वगैरह देख लें। ठीक है, साफ़ सुथरा है ये भी, वॉशरूम वगैरह भी देख लेते हैं इसका। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी देख लें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे, इस रूम से निकलते के साथ ही सामने ये किचन है, अमेरिकन किचन बना हुआ है, तो आप किचन भी देख सकते होंगे। ये यहाँ पे अंगीठी वगैरह जो है वो रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि गड़ाप में गैस नहीं है तो यहाँ सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। बाकी किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ठीक है। एंड अब मज़ीद देख लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये इनका सेकंड रूम है और इसमें जो है वो एसी भी लगा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पे बैठने के लिए भी उन्होंने सोफ़ा रखा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ भी ये अटैच बाथ है। और ये इनका लाउंज है, लाउंज में भी आप देख सकते होंगे 7 सीटर सोफ़ा जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। मिरर वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है, और ये कॉर्नर पीस भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ पूरा। एंड ये इनका थर्ड रूम है, ठीक है, इसके साथ भी अटैच बाथ है, खुला हुआ है तो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कमोड वगैरह है, इसके अलावा ये यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, और ये चेयर्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये चेयर्स जो हैं अगर आप गार्डन एरिया में लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। आपने पूरा ये देख लिया लुक इंडोर का, ठीक है। ये 7 सीटर सोफ़ा है, उसके अलावा 3 बेडरूम्स हैं यहाँ पे और किचन वगैरह भी है, ठीक है। अब फार्म का आपको जो है वो नाइट व्यू दिखा देते हैं कि नाइट में जो है फार्म कैसा दिखता है। सो व्यूअर्स, ये सामने आपको स्विमिंग पूल एरिया दिख रहा होगा, ये नाइट का लुक है यहाँ पर, तो ये आप देख लें यहाँ पर भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। ये नाइट व्यू है स्विमिंग पूल का, ठीक है, और बाकी अब मैं आपको गार्डन का नाइट व्यू दिखा देती हूँ। अब लाइट्स यहाँ की जो है वो ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को शेयर करवाई गोहरे नए आपके यूनिट नंबर 114 की, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये भी इन्होंने जो है डिनर के लिए सेटअप वगैरह लगाया हुआ है, ये तख्त वगैरह लगे हुए हैं, कारपेट्स बिछे हुए हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद आई क्योंकि अभी तक मैंने फार्म हाउस पे इस तरह का जो है वो नहीं देखी थी, अरेंजमेंट इस तरह का लुक नहीं था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। और ये पूरा एक बार फिर से मैं आपको नाइट व्यू फार्म का दिखा देती हूँ। यहाँ जनरेटर चल रहा है क्योंकि लाइट अभी इस वक्त नहीं है, तो उसका शोर थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तो उसके लिए माज़रत। सो आई होप व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, अगेन रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।